Hello friends, I'm Nishant Kumar here to discuss about the basic science and engineering जो आपको portion है stage 2 में part A में उसको मैं discuss करने वाला हूँ। इसमें हमने basic science and engineering में मैंने speed and velocity, unit and dimension, measurement, आपको work power energy, speed and velocity, Newton's law, gravitation और इलेक्ट्रिसिटी के मैंने लेक्चर डिस्कस कर रखे हैं, ट्रांसफार्मर डिस्कस कर रखे हैं, सेल एंड बैटरी डिस्कस कर रखे हैं। और बात की जाए तो आपको वहाँ पे मैंने इलेक्ट्रॉनिक्स में डिजिटल नंबर सिस्टम बात कर रखा है, डायोड की रेक्टिफायर वगैरह मैंने डिस्कस कर रखा है। अगर अब तक अभी आपने वो सब नहीं देखा है तो प्लीज़ मेरे यूट्यूब चैनल पे जाएं और प्लेलिस्ट बना हुआ है, आप अलग अलग प्लेलिस्ट बनाए वहाँ पे जाके देखें और उस वीडियो को देखें। अगर अब तक अपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, दोस्तों को भी रिकमेंड करें। और ये बुक है जो प्लेटफॉर्म की बुक है, बार बार बच्चे कमेंट कर रहे हैं कि सर ये बुक का पीडीएफ दे दीजिए, ये दे दीजिए। मैं बता रहा हूँ कि ये बुक क्या है, ऑनलाइन अवेलेबल है, ऑफ स्टोर आपको हर जगह अवेलेबल है, ऑल इंडिया अवेलेबल है। तो प्लीज़ आप इसको मंगाइए। और चलिए जी डिस्कस करते हैं ज़्यादा देर न करते हुए। तो हमने इससे पहले बहुत सारे मिक्सचर पढ़े हैं, जल को जल से मिलाया था जी, आइस को वेपर से मिलाया था, ठीक है। आज जो मेरा टॉपिक है क्या है जी, जल को जलवाष्प के मिश्रण से मिलाना है, यानी वाटर को किससे मिलाना है जी, वेपर को मिलाना है। फाइनली बताना है कि क्या टेम्परेचर रहेगा जी। तो क्वेश्चन पढ़ते हैं और उस क्वेश्चन को फिर से बनाएंगे जी। बोला है यदि मिश्रण का तापमान 100 डिग्री सेंटीग्रेड से अधिक हो तो उत्तर 100 डिग्री सेंटीग्रेड ही दें। अब ये नोट लिखा है, क्या लिखा है, हमको उससे कोई मतलब नहीं है जी। हमको तो डायरेक्ट क्वेश्चन पढ़ना है और डायरेक्ट आंसर बनाना है, क्योंकि हमने रट्टाफिकेशन किया ही नहीं, हमने रट्टाफिकेशन किया ही नहीं, हमने तो जो कंसेप्ट है उसको अप्लाई किया और बस आंसर लाया जी। हमारे मैं बोल रहा हूँ कि जैसे मैं पढ़ा रहा हूँ बस वैसे लॉजिकली पढ़े, आपको सारे कंसेप्ट आएंगे, न्यूमेरिकल भी आएंगे, न्यूमेरिकल भी उद्धाकड़ कीजिएगा। जो आपको पता है बहुत सारे ऐसे चैनल हैं जो मिलियंस और मिलियंस सब्सक्राइबर हैं बट वो कंसेप्ट है अगले लेक्चर में आते रहे हैं तो सॉरी बोल रहे हैं, ये बोल रहे हैं, वो बोल रहे हैं। मैं वैसा कुछ नहीं करने वाला हूँ जी, मैं गलती करूंगा ही नहीं, मुझे जो नॉलेज है मैं उसी को बताऊंगा। मैं बता दूँ ये इंजीनियरिंग ड्रॉइंग के जो टॉपिक्स हैं मैं उसको नहीं कराऊंगा जी आपको, प्लीज आप दूसरे चैनल से उसको फॉलो करें, मैं उसको नहीं पढ़ाऊंगा जी, मैं पहले ही बता दे रहा हूँ। तो चलिए आगे मैं डिस्कस कर रहा हूँ। यदि मिश्रण का तापमान 100 डिग्री सेंटीग्रेड से ऊपर, बोल रहा है कि 25 डिग्री सेंटीग्रेड, देखिए जी अब इसमें क्या है, एक क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन में बोल रहा है कि जो आपको 25 डिग्री सेंटीग्रेड क्या है जी, तापमान पे 800 ग्राम है जी, तो 800 ग्राम वाटर है, क्या है जी, वाटर है, स्टेट भी लिखना जरूरी है, 25 डिग्री सेंटीग्रेड है। अब बोल रहा है इसको क्या मिला है जी, तो 100 डिग्री सेंटीग्रेड 100 ग्राम क्या मिला है, वेपर मिला है, क्या मिला है, जलवाष्प मिला है जी। अब बोल रहा है कि फाइनल क्या होगा, देखिए अब मान लेते हैं कि इसमें क्या होगा जी, जो एनर्जी लेने वाला है ये एनर्जी लेगा, ये एनर्जी देगा, तो एनर्जी लेगा कहां तक लेगा जी, 100 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर वाटर है तो मान लेते हैं इस कहां तक जाएगा जी, ये वेपर है, तो चलिए जी ये एनर्जी देगा, कहां एनर्जी देगा जी, जब 100 डिग्री वेपर से 100 डिग्री वाटर में आएगा, 100 डिग्री सेंटीग्रेड वाटर में जब आएगा तो एनर्जी देगा, एनर्जी कितना देगा, तो एम, एम कितना है जी, 100 ग्राम है, एम एल, एल क्या होता है जी, 540 होता है, तो इतना एनर्जी देगा। फिर से इसमें कौन सा एनर्जी लेगा जी, 25 डिग्री सेंटीग्रेड से मैं मान रहा हूँ किसी टेम्परेचर टी पे क्या हो जाएगा, ये जाएगा, तो मैं मान रहा हूँ क्या मिलेगा जी, एम एस, एस क्या होता है जी, वाटर का वन होता है, डेल्टा टी क्या हो जाएगा, तो टी माइनस 25, क्योंकि किसी टी जो आएगा वो 25 से ज्यादा आएगा, ठीक है जी। अब देखो ये तो वाटर में आया तो इतना एनर्जी दिया, अब वाटर से कहीं टी पे तो जाएगा ना जी, कहीं टी पे तो जाएगा ना, तो ये भी एनर्जी देगा ना, तो एनर्जी क्या हो जाएगा, एम एस डेल्टा टी, तो एम एम क्या होता है जी वाटर के लिए वन हो, सॉरी एम क्या है जी मास वाटर का, तो 100 ग्राम है, 100 ग्राम, एस क्या होता है जी वाटर का वन होता है, डेल्टा टी क्या हो जाएगा, तो 100 माइनस टी, देखिए अब क्या हुआ कि 100 से हम टी को पता नहीं है कि कौन सा टेम्परेचर है, लेकिन इतना मान लें कि 25 से ज्यादा है, 100 से कम है, तो 100 माइनस टी, तो ये एनर्जी मिलेगा, ये एनर्जी मिलेगा क्या होगा, इसके बराबर होगा, तो इसको बराबर कर देते हैं जी, तो 100 टी माइनस 25। अब आपको अगर ये नहीं समझ में आएगा, अगर जिसने भी मेरा प्रीवियस लेक्चर नहीं देखा होगा आप उसको समझ में नहीं आएगा, तो प्लीज मैं उसको रिकमेंड कर रहा हूँ कि आप जाकर उसको देख लीजिए, ठीक है। ये एनर्जी जो मिलेगा कहाँ मिलेगा जी, ये एनर्जी किसके बराबर होगा, तो ये एनर्जी और इस एनर्जी के बराबर होगा, तो 540 गुने 100 प्लस 100 गुने 100 माइनस टी इसी बराबर होगा जी। तो चलिए इसको बराबर करते हैं कैलकुलेशन को, तो क्या हो जाएगा 800 टी माइनस 800 गुना 25 बराबर 54 के प्लस 10 के माइनस 100
टी, इस 100 टी को इधर लाएंगे तो क्या हो जाएगा 900 टी, 2500 8 है 200, तो 200 तो 20 के ई है, इधर आएगा तो प्लस हो जाएगा प्लस 54 के और 10 64 के, ठीक है 84 के 900 टी, ठीक है इसको काटेंगे जी तो क्या आएगा 84 के का मतलब 3 जीरो होता है, 9 पे 2 जीरो, 2 जीरो गया तो 99 81 3 नौ तरीका 27 एक बट्टा 3 ये डिग्री सेंटीग्रेड में क्या आ जाएगी टेम्परेचर आ जाएगा। देखते हैं आंसर हमारा मैच किया कि नहीं किया जी, तो देखिए हमारा आंसर क्या हुआ जी, एक क्वेश्चन था इसका आंसर क्या हो गया मैच कर गया ना जी, क्या आया मेरे पास आंसर 93.33। तो यहां से देख सकते हैं कि हमारा आंसर, देखिए क्वेश्चन में समझना यही है कि देखिए वाटर का टेम्परेचर राइज होगा तो इसको एनर्जी चाहिए, और जलवाष्प क्या हुआ जी पानी में आया है वाटर में आया है तो क्या हो गया यहां से एनर्जी देगा, और फिर से जब टेम्परेचर इसका कम होगा तो भी क्या होगा एनर्जी देगा, तो ये दोनों एनर्जी देगा तो ये देने वाला एनर्जी क्या हो जाएगा लेने वाला एनर्जी के बराबर हो जाएगा। तो हम देख सकते हैं कि जो एनर्जी दे रहा है और जो एनर्जी ले रहा है वो दोनों को हम बराबर कर रहे हैं, यही समझ रहे हैं। अगर मान लीजिए इस टेम्परेचर मैंने सॉल्व किया रहा था और ये 25 से 25 डिग्री सेंटीग्रेड से और 100 डिग्री सेंटीग्रेड के बीच नहीं आता तो हम क्या करते थे, इसको मान लेते कि हमारा जो एजम्पशन है वाटर का क्या है जी रॉन्ग है, तो हम यहां से समझ सकते हैं हमारा कंसेप्ट कितना आसान है इससे हम समझ सकते हैं जी। मैं बता रहा हूं कि जो भी बच्चे इस बुक से पढ़े होंगे वो 4-5 फॉर्मूले याद किए होंगे 4-5 कंडीशन के लिए, और उन्हें बहुत सारी क्या प्रॉब्लम हो जाएगी, और क्या करेंगे अंत में क्या करेंगे उसको छोड़ देंगे, उस क्वेश्चन को ही छोड़ देंगे, कहेंगे कौन टेंशन लेने जाए एक नंबर छोड़ ही देते हैं। तो मैं ऐसा बता रहा हूं, बार बार मेरा लेक्चर पढ़िए जो प्रीवियस लेक्चर है उसको समझिए मैं क्या कहना चाह रहा था। देखिए मैं वही बोल रहा हूं कि जो मेरा प्रीवियस लेक्चर था, जो नेक्स्ट 3 और 4 लेक्चर था, प्रीवियस 3 और 4 लेक्चर था, उसमें देखिएगा यही कंसेप्ट मैं समझाने की कोशिश कर रहा था, तो उस दिन थोड़ा उबाऊ भी लग रहा था, मैं बोल भी रहा था, इसीलिए बोल रहा था क्योंकि ये लॉजिक में वहां समझा रहा था, जो कि अब न्यूमेरिकल आया तो समझना तो कितना आसान है जी, ठीक है ना। फिर से मैं उसको रिवीजन करा दूं उस पोर्शन को जी, वो पोर्शन जो है बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए यहाँ पे है, समझिए इस बात को, ये क्या है जी मेरा आइस है, क्या है जी ये आइस है -10 डिग्री सेंटीग्रेड यानी जीरो से कम है, तो जीरो से आने में क्या लगा टेम्परेचर चेंज हुआ है तो एमएस डेल्टा टी वाला फॉर्मूला लगाएंगे। ये क्या है जी आइस है तो पानी में चेंज हुआ तो स्टेट चेंज हुआ, टेम्परेचर चेंज नहीं हुआ तो डेल्टा टी वाला कंसेप्ट नहीं आएगा, एमएल वाला आएगा, ठीक है जी। अब क्या हुआ टेम्परेचर चेंज हुआ तो एमएस डेल्टा टी वाला आएगा, यहाँ पे क्या हुआ टेम्परेचर चेंज नहीं हो रहा है स्टेट चेंज हो रहा है तो एमएल लगा। अब यही है एमएल हमने याद किया था, एस याद किया था जी, तो हम एल और एस याद किए थे तो उसका हम अप्लाई कर दे रहे हैं, तो कितना आसान है समझ सकते हैं जी। और देखिए जिसको भी नहीं समझ में आ रहा होगा तो मैं उनसे रिक्वेस्ट करूंगा कि बार बार आप इसको पढ़े जी और इसको समझने की कोशिश करें, मेरे लॉजिक जब पढ़ा देता हूँ उसके बाद आप इसके जो न्यूमेरिकल्स हैं उसको सॉल्व करने की कोशिश करें, और आपको दिखिएगा आपको बहुत ही फायदा होगा और ज्यादा से ज्यादा समझने की कोशिश कीजिए। अगला क्वेश्चन है, एक और क्वेश्चन लेते हैं जी, बहुत सारे लड़कों का रहता है कि आप एमसीक्यू वगैरह नहीं करा रहे हैं, ये भी लड़के कमेंट कर रहे थे, तो मैं उसको बता देना चाहूंगा कि मैं बुक जो प्लेटफॉर्म बुक से पढ़ा रहा हूँ उसके एंड में एमसीक्यू ही है, आप उसको सॉल्व कीजिए, मैं लॉजिक पढ़ा दे रहा हूं आपको सॉल्व कीजिए, जब लास्ट में सब चैप्टर खत्म होगा आपको भी पता है कि मेरा सिलेबस खत्म होने वाला ही है, ज्यादा तो सिलेबस है नहीं, तो हाँ मैं बहुत टाइम से पहले ही खत्म कर चुका हूँ, तो उसके बाद न्यूमेरिकल ही करना है जी। चलिए बोल रहा है कि 25 डिग्री सेंटीग्रेड की छड़ की लंबाई इतने है और इतने डिग्री सेंटीग्रेड पर इतना मीटर है जी, और इतने डिग्री सेंटीग्रेड पर इस छड़ की लंबाई क्या होगी। चलिए जी ये बोल रहा है कि 25 डिग्री पर लंबाई क्या है जी, तो 2.3 मीटर है। बोल रहा है कि 40 डिग्री सेंटीग्रेड पे इसकी लंबाई क्या है जी, तो 2.6 मीटर है। तो बोल रहा है कि 100 डिग्री सेंटीग्रेड पे इसकी लंबाई क्या होगी। चलिए जी क्वेश्चन हमने यहाँ लिखा, बोल रहा है कि 25 डिग्री सेंटीग्रेड पे क्या है जी इतना है, 40 डिग्री पे इतना है, 100 डिग्री पे क्या होगा। देखिए यानी टेम्परेचर बढ़ाने से क्या होता है लंबाई की लेंथ बढ़ती है, यही क्वेश्चन है जी। देखिए यहाँ पे कितना डिग्री का अंतर है जी, तो 15 डिग्री का अंतर है, यहाँ पे कितना है 0.3, यानी हम ये कह सकते हैं कि 15 डिग्री सेंटीग्रेड से कितना लंबाई चेंज हो रहा है जी, 0.3 मीटर का लंबाई क्या हो रहा है चेंज हो रहा है। समझिएगा यहाँ 15 डिग्री का अंतर था तो कितना है 0.3 में, अब यहां से देखिए अगर यहां से हमको यहां आना है तो कितना डिग्री का अंतर है जी, तो 60 डिग्री का अंतर है, तो 60 डिग्री का अंतर पर कितना टेम्परेचर राइज होगा जी, 4 गुना हुआ तो भी 4 गुना हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा इसको 4 से गुना कर दीजिए, इसको मैं लिख दूं, इसको लिखो 4 से गुना करो, इसको भी 4 से गुना किया तो क्या हो जाएगा 1.2
3.4 बराबर 1.2 मीटर। यानी यहां से देखिए 40 डिग्री सेंटीग्रेड पे इतना लंबाई है, तो 100 डिग्री 60 बढ़ा है, तो 60 की टेम्परेचर से कितना बढ़ा है जी, लेंथ इतना बढ़ा है। यानी हम ये लेंथ किस में जोड़ेंगे जी, इस वाले में लेंथ में जोड़ेंगे, तो 2.6 जोड़ 1.2 क्या हो जाएगा, 3.8 क्या हो जाएगा, मीटर आंसर हो जाएगा। कोई दिक्कत, देखिए यहाँ पे 15 डिग्री अंतर में कितना लंबाई बढ़ा था, 0.3, तो यहाँ 60 डिग्री के अंतर में कितना लंबाई बढ़ेगा, तो 4 गुना, तो 4 गुना क्या हो जाएगा जी, 1.8 1.2। अब इतना पहले से ही था और 1.2 बढ़ गया, तो क्या हो जाएगा, 3.8 हो जाएगा जी मीटर। आंसर एकदम क्लियर है, यहाँ से आप देख सकते हैं, यही ये भी बना रखा गया है यहाँ पे क्या यही बना रखा है, उसी बात को उसने डायग्राम से अलग बना रखा है, हमने डायग्राम अलग बना रखा है, तो हम यहाँ पे समझे जी। और ये हमारा हीट एंड टेम्परेचर का जो हार्ड टॉपिक था हमने उसको कवर कर लिया। अब जो है हमारे पास जो भी है आसान टॉपिक्स है, ठीक है जी, इसमें जो जो भी हार्ड टॉपिक था हमने उसको कवर कर रखा है जी। अपने आप तक इसको सॉल्व नहीं किया तो प्लीज सॉल्व करें, और मैं दोस्तों से सबसे रिक्वेस्ट करूंगा प्लीज आप मेरे चैनल को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाएं, शेयर करें जी, सब्सक्राइब करें, डेली आप अपने व्हाट्सएप फेसबुक पे जो भी हो शेयर करें। और कुछ बच्चों का जो रिक्वेस्ट है कि सर नोटिफिकेशन नहीं आ रहा, तो मैं उनसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप बार बार क्लिक करें जी, सेट ऑन करें, जिससे आपको नोटिफिकेशन डेली का डेली पहुंचेगा जी। चलिए आगे बढ़ते हैं, किरचॉफ के लॉ। देखिए किरचॉफ का लॉ हमने क्या पढ़ा था, इलेक्ट्रिसिटी में भी पढ़ा था, आपको याद होगा कि किरचॉफ के मैंने दो लॉ बताए थे, एक केसीएल बताया था, एक केवीएल बताया था। अगर आपको याद नहीं हो तो फिर से लेक्चर जाके देखिए जाए, इलेक्ट्रिसिटी आपको बहुत इंपॉर्टेंट है जी, उसका न्यूमेरिकल आपको करना ही पड़ेगा। ओके, किरचॉफ के दो लॉ थे जी, वहां पे केसीएल के भी था। अब देखिए एक किरचॉफ ने ही लॉ दिया था जी, लेकिन एक इसमें थर्मोडायनेमिक्स के पार्ट से पॉइंट ऑफ व्यू से जी। मैकेनिकल वालों को ये ज्यादा डीप में पढ़ना है, मैं बता दूंगा मैकेनिकल जो ब्रांच से होंगे उनको ज्यादा डीप में पढ़ना है, तो उनको ये सब पता भी होगा। इस नियम के अनुसार जो वस्तु का उष्मा को जितना अधिक अवशोषित करता है उतना ही अधिक उत्सर्जित करता है। इसका मतलब है कि देखिए अगर मान लीजिए जो मुस्लिम लोग होते हैं जो आप ब्लैक जो बुर्का वगैरह पहनते हैं, तो देखिए उसमें क्या है कि आपको हीट क्या होगा जी, जो ब्लैक कपड़ा होता है उसमें हीट ज्यादा क्या होता है, ऑब्जर्व होती है। अगर मान लीजिए वो धूप में जाता है तो क्या उसमें हीट ऑब्जर्व होगा, और वो हीट ऑब्जर्व होगा तो क्या होगा जी, वो अवशोषित कर रहा है तो उत्सर्जित भी ज्यादा करेगा, लेकिन अल्टीमेट तो क्या रहेगा, हीट ही रहेगा। तो ये किरचॉफ का लॉ यहाँ बोल रहा है कि अगर वो हीट क्या हुआ है, ज्यादा अवशोषित किया तो उत्सर्जित करेगा। जैसे मान लीजिए अगर जो चांद है अगर वो हीट एब्जॉर्प्शन से ज्यादा किया है तो रात में क्या करेगा, उसको क्या करेगा, रिलीज भी ज्यादा करेगा। तो इसका कंसेप्ट यही है, इसका मतलब हुआ कि जो ज्यादा चमकता हो क्या है जी, ज्यादा एनर्जी या हीट क्या किया है, ऑब्जर्व किया है। वही बोला है काली या सफेद गेंद को अगर समान तापमान पर एक साथ गर्म कर दिया जाए जाए अंधेरे में, तो काली गेंद अधिक चमकेगी। देखिए इसका मतलब हुआ कि काला था एक व्हाइट था, तो काली गेंद को जब हीट ज्यादा दिए तो एनर्जी ज्यादा ऑब्जर्व किया, जब उसको अंधेरे में रखेंगे तो चमकेगा कौन जी, क्योंकि यही ज्यादा लाइट है थी एक्सक्रीट करेगा यानी उत्सर्जित करेगा, तो उसका टेम्परेचर क्या होगा, ज्यादा दिखेगा। तो वही बोल रहा है कि अंधेरे में काली गेंद क्या होगी, ज्यादा चमकीली दिखाई देगी। कंसेप्ट आपको समझ में आ गया जी। चलिए अब ब्लैक बॉडी का बात करते हैं, हम लोग ज्यादा डीप में नहीं पढ़ना है जी, मैं बता दूं कि हमें इसको ज्यादा डीप में नहीं पढ़ना है, तो प्लीज आप इसको ध्यान रखिएगा, और ज्यादा डीप में समझना भी नहीं है, बस इसको पॉइंट को याद रखिएगा, बात खत्म। चलिए ब्लैक बॉडी वो वस्तु जो लगभग सारे उस विकिरण ऊर्जा को अवशोषित करती है। ब्लैक बॉडी का मतलब है कि सबका सब एनर्जी क्या करे जी, ऑब्जर्व कर ले, इतना एनर्जी करे कि वो जितनी भी उसके पास एनर्जी आ रही है सारा का सारा एनर्जी ऑब्जर्व कर लेगा, उसको क्या बोलेंगे, ब्लैक बॉडी बोलेंगे। कृष्ण पिंड कहलाते हैं जी, क्या कहलाते हैं, ब्लैक बॉडी कहलाते हैं। सबसे अच्छा कृष्ण पिंड काजल है, काजल क्या होता है जी, सारे की सारी एनर्जी क्या करता है, ऑब्जर्व कर लेता है, क्योंकि ये लगभग 95% उसमें विकिरणों को अवशोषित कर लेता है जी। काजल जो आंख वगैरह में लगाते हैं जी, उसकी बात हो रही है यहाँ पे। ग्लोबल वार्मिंग की बात करते हैं जी, अब ग्लोबल वार्मिंग होता क्या है जी, तो ग्लोबल वार्मिंग को समझने के लिए हम लोग किरचॉफ का ये लॉ अप्लाई करेंगे जी। ठीक है जी, ये सन है, सन से क्या हुआ जी, एनर्जी क्या हो रहा है, रेडिएट हो रहा है, तो ये जैसे ही एनर्जी रेडिएट हुआ यहाँ पे आया, यहाँ पे क्या हुआ जी, ये कुछ लाइट क्या है जी, पराबैंगनी किरण ओजोन लेयर द्वारा क्या हो रहा है जी, रिफ्लेक्ट कर दिया जा रहा है, फिर भी क्या है, और किरणें आ रही है, आगे आएंगी, तो ये जो आएंगी किरणें वो क्या होगी, एनर्जी लेकर आएंगे, वो जो एनर्जी लेकर आएंगे क्या हो जाएगा, वो जो भी एनर्जी लेकर आएंगे क्या होगा जी, एनर्जी क्या होगा, हमारे इन्वायरमेंट को क्या करेगा, हीट करेगा। हीट इसलिए करेगा क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे ब्लैक बॉडी वगैरह भी है, नहीं भी है तो कुछ ऐसे भी है जो पूरा का पूरा तो नहीं करते, लेकिन कुछ ना कुछ परसेंट तो क्या करते हैं, ऑब्जर्व करते हैं, जिससे क्या हो जाएगा, टेम्परेचर क्या हो जाएगा जी, हमारे इन्वायरमेंट का टेम्परेचर क्या होगा, राइज होगा। वहीं पढ़ रहे हैं, सूर्य से आने वाली औरक्त किरणों को वायुमंडल में उपस्थित CO2 आने तो देता है लेकिन जाने नहीं देता है जी, जिसके कारण पृथ्वी का तापमान दिन प्रतिदिन बढ़ जाता है, जिससे ग्लोबल वार्मिंग होता है। देखिए ये औरक्त किरणें तो आई तो इसकी फ्रीक्वेंसी तो ज्यादा है, इसकी फ्रीक्वेंसी तो ज्यादा है, तो ये क्या हो जाएगा, डायरेक्ट आ जाएगा
इससे फ्रीक्वेंसी ज्यादा है तो क्या डायरेक्ट आ जाएगा, लेकिन पराबैंगनी किरण क्या हो जाएगी, रिफ्लेक्ट हो जाएगी क्योंकि इसकी फ्रीक्वेंसी कम है। तो इससे क्या होगा कि ज्यादा एनर्जी आया तो फ्रीक्वेंसी ज्यादा, तो ज्यादा एनर्जी भी लेकर आया, और ज्यादा एनर्जी आया लौटा तो नहीं, तो क्या होगा, ये हीट हमारा क्या हो जाएगा, हमारा इन्वायरमेंट क्या हो जाएगा, हीट हो जाएगा। वैसे ही बोलिए तो सीएफसी जो क्लोरोफ्लोरोकार्बन या फ्रियोन जो ओजोन परत को क्या करता है, नाश करता है जी। सीएफसी क्या करता है जी, फ्रियोन जो है आपको पता होगा, फ्रियोन वगैरह कहाँ यूज किया जाता है, तो आपको जो हमारा एसी होता है, रेफ्रिजरेटर होता है, उसमें यूज किया जाता है। जो जो इसीलिए क्या हुआ था जी, बहुत गवर्नमेंट इस पर बैन लगाने की भी कोशिश कर रहा है कि सीएफसी को क्या किया जाए, बैन कर दिया जाए, लेकिन फिर भी नहीं हो पा रहा है क्योंकि बहुत सारी ऐसी कंपनियां हैं जो क्या करती है जी, घूस देकर अपना क्या करती है, काम निकाल लेती है। तो यहां से समझ सकते हैं कि सीएफसी जो हमारा क्या है जी, बहुत इंपॉर्टेंट है किसको, हमारे इन्वायरमेंट को जाने के लिए। लेकिन फिर भी क्या हो रहा है, बहुत सारे दिन प्रतिदिन आपको बहुत सारे सबमिट हो रहे हैं, आपको भी पता है कि कौन कौन से, अमेरिका में सबमिट हो रहे हैं, यहाँ पेरिस में सबमिट हो रहा है, जो पेरिस क्लाइमेट था वो क्या था, आपको भी पता है कि आपको बहुत कंट्री द्वारा क्या आया है, रिएक्ट भी किया जा रहा है। देखिए अब हीट एंड टेम्परेचर का क्या है जी, इसमें कुछ न्यूमेरिकल्स हैं, मैंने बहुत सारे आपको क्वेश्चन बना रखे हैं, इसका भी मैंने क्या करा था जी, एक एग्जाम्पल आपको कराया था। चलिए एक एग्जाम्पल और भी करते हैं, दो चार एग्जाम्पल, उसके बाद हम इस लेक्चर को क्या करेंगे, खत्म करेंगे। हीट एंड टेम्परेचर हमारा खत्म हो चुका है जी, हमारे पास अब पढ़ने के लिए क्या है जी, अब केवल और केवल न्यूमेरिकल ही बचा है, हमने लगभग सारे टॉपिक कवर कर लिया। मैं बता दूं कि सेफ्टी सेफ्टी वगैरह जो टॉपिक है वो पढ़ने वाले टॉपिक तो है नहीं जी, आपको भी पता है कि वो सब थियोरेटिकल क्वेश्चन है, आईटी में थोड़ा बहुत बचता है कि आईटी के, तो मैं बताऊंगा कि आईटी को आप चैप्टर पढ़ने से बढ़िया है कि उसका एमसीक्यू लगा लीजिए जी, और यही जरूरी है। मैं सबसे रिक्वेस्ट करूंगा जो भी आप लोग टेस्ट सीरीज ज्वाइन करें, मैं बता दूं टेस्ट सीरीज भी आपको सीबीटी टू के बहुत सारे टेस्ट सीरीज आ चुके हैं, आप लोग उन सबको ज्वाइन कीजिए, और मुझे भी रिकमेंड कर दीजिए, कमेंट कर दीजिएगा कि कौन सा टेस्ट सीरीज अच्छा है, ताकि मैं और बच्चों को फीडबैक दूं जी। तो बहुत सारे टेस्ट सीरीज हैं, तो प्लीज आप लोग भी रिकमेंड कर दीजिएगा, मैं भी एक आध दो टेस्ट सीरीज देख रहा हूँ कि कौन सा अच्छा है, लड़के तो बता भी नहीं पा रहे हैं क्योंकि तो बहुत सारे लड़के ज्वाइन ही नहीं किए हैं। तो प्लीज आप लोग कोई टेस्ट सीरीज ज्वाइन करें, और उसको क्या करें जी, आप लोग मुझे भी कमेंट करें, जिससे कि हमें हम दूसरे बच्चों को भी क्या करें, रिकमेंड कर सके कि कौन सा टेस्ट सीरीज वगैरह अच्छा है जी। चलिए आगे बढ़ते हैं जी, इसके बाद हम लोग का न्यूमेरिकल पोर्शन स्टार्ट हो जाएगा, हर चैप्टर का हम लोग न्यूमेरिकल करेंगे जी। देखिए बोला एक मनुष्य का तापमान 60 डिग्री सेंटीग्रेड है, तो उसका तापमान फॉरेनहाइट में क्या होगा जी। देखिए डिग्री सेंटीग्रेड 60 डिग्री सेंटीग्रेड है, इसको फॉरेनहाइट में लेना है जी। हमने सी का फॉर्मूला याद कर रखा है, सी माइनस मेल्टिंग पॉइंट जीरो होता है, 100 बॉइलिंग पॉइंट होता है माइनस जीरो, बराबर फॉरेनहाइट में क्या होता है मेल्टिंग पॉइंट 32, फॉरन अच्छा जी बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है तो 212 माइनस 32, तो क्या हो जाएगा जी, यहाँ से हम समझ सकते हैं जी फॉरेन हाइट और क्या है डिग्री सेंटीग्रेड में जी। तो चलिए सी बराबर 100 बराबर एफ माइनस 32 बट्टा 180, तो इसको सॉल्व करेंगे तो क्या मिलेगा जी, 0 0 कैंसिल, ये 5, ये 9 हो जाएगा, ये 5 होगा, तो सी बट्टा 5 बराबर एफ माइनस 32 बट्टा 9, तो 9C बराबर 5F माइनस 160, ठीक है जी। हमको सी कितना दिया है जी, तो 60 डिग्री सेंटीग्रेड, सी की वैल्यू रख देते हैं 9 60, पहले ही रख देना चाहिए और भी आसान हो जाता है कैलकुलेशन, 5F माइनस 60 160, तो ये 6 9 54 16, 5F 0 10 80 हो जाएगा, 5 से काटेंगे तो क्या हो जाएगा 16 50 160 फॉरेनहाइट, तो 160 क्या हो जाएगा फॉरेनहाइट जी। तो आंसर गलत हो गया क्या, क्वेश्चन 140 आया जी, सॉरी हमने कुछ इसमें गलत कर रखा है, इसका मतलब है 54 60 700 आएगा, 700 5 से भाग देंगे तो 140 फॉरेनहाइट हो जाएगा। चलिए ऐसे भी हम कर सकते हैं, अगर मान लीजिए मैं जो यहाँ पे सी की वैल्यू यहाँ रखा हूँ, इसको मैं पहले ही रख दूँ, यहीं पे रख दूँ तो क्या हो जाएगा जी, सी की वैल्यू यहीं रख दूंगा तो क्या हो जाएगा 60 बट्टा 5 9 F माइनस 32, तो यहाँ से देखिए क्या हो जाएगा 12 12 9 108 एफ माइनस 32, तो क्या हो जाएगा एफ बराबर 140 फॉरेनहाइट हो जाएगा जी। ठीक है, तो यहाँ से भी देख सकते हैं, वही बोल रहा हूँ कि कैलकुलेशन जो करना है कैसे करना है, वो आइडिया कैसे लगेगा जब ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे जी, यही है कि ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस कीजिए और क्वेश्चन को बनाइए जी। अगला क्वेश्चन है, क्या बोला है, एक गलत थर्मामीटर, इस क्वेश्चन को छोड़िए, थोड़ा सा लड़के कन्फ्यूजन में रह जाते हैं इस क्वेश्चन को पढ़ने से। चलिए बोला है किसी धातु का क्षेत्रीय प्रसार गुणांक 5x केल्विन इनवर्स है, तो उसका आयतन प्रसार गुणांक क्या होगा जी। देखिए बताया था मैंने अल्फा बीटा गामा, अल्फा बीटा गामा क्या बताया था जी मैंने, तो अल्फा इज टू बीटा इज टू गामा क्या होता है, 1:2:3 होता है। हमको क्या दिया है जी, क्षेत्रीय प्रसार गुणांक दिया, यानी बीटा दिया हुआ है
और क्या निकालना है, आयतन प्रसार गुणांक यानी गामा निकालना है। तो बीटा बट्टा गामा क्या है जी, 2/3 है। हमको बीटा क्या दिया हुआ है जी, बीटा की वैल्यू दिया है 5x, तो 5x रख देते हैं, बीटा की वैल्यू 5x बट्टा गामा बराबर 2/3, तो क्या हो जाएगा 5 × 15x, इधर गामा आ जाएगा बट्टा 2, तो क्या हो जाएगा 7.5x हो जाएगा जी, क्या हो जाएगा। और गामा है तो क्या हो जाएगा, केल्विन इन्वर्स हो गया, क्या हो जाएगा ठीक है जी। तो यहाँ पे देखिए 7.5 क्या हो जाएगा जी, आंसर 7.5x केल्विन इन्वर्स। तो यहाँ से देख सकते हैं कि आंसर क्या है जी, बहुत ही आसानी से हम निकाल पा रहे हैं जी। अब अगला क्वेश्चन है, 25 डिग्री सेंटीग्रेड किसी छड़ की लंबाई इतना है, 40 डिग्री सेंटीग्रेड पर क्या है 2.6 है, तो 100 डिग्री सेंटीग्रेड पे इस छड़ की लंबाई बताएं। देखिए 25 डिग्री से 40 डिग्री आने में क्या है 15 डिग्री का अंतर हुआ है, तो 15 डिग्री में इसकी लंबाई कितना चेंज हुआ है, लंबाई कितना चेंज हुआ है, तो 0.3 हुआ है जी, ठीक है 0.3 हुआ है। देखिए यहां से अगर देखा जाए तो 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर पूछ रहा है, तो 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर कितना है 60, 60 है जी, तो कितना बढ़ाना पड़ेगा, तो 15 डिग्री पे इतना है तो 60 डिग्री पे कितना होगा जी, 60 डिग्री पे इसको 4 गुना करेंगे ना, 15 × 4 = 60, इसका चौका 1.2, तो 1.2 बढ़ाना है, कहाँ से बढ़ाना है, तो इस लंबाई से बढ़ाना है जी, तो इस लंबाई से 60 डिग्री बढ़ाया तो इस लंबाई क्या बढ़ाएंगे 1.2, तो इसको 2.6 में क्या जोड़ेंगे 1.2, तो क्या हो जाएगा 3.8 मीटर, 3.8 मीटर होगा जी। यहां से देखिए कि हम जो है टेम्परेचर का यूज करके क्या बता रहे हैं जी, लंबाई बता रहे हैं। बहुत सिंपल सिंपल क्वेश्चन है, इस सब क्वेश्चन को आप कीजिएगा। अगला क्वेश्चन है एक थोड़ा काइनेटिक एनर्जी से रिलेटेड क्वेश्चन, थर्मोडायनेमिक्स और काइनेटिक एनर्जी को भी मिला रहे हैं जी, ऐसे भी क्वेश्चन थोड़ा आजकल बहुत ज्यादा पूछे जा रहे हैं। देखिए बोला इतने ग्राम पानी इतने मीटर की ऊंचाई से गिरकर पत्थर से टकराता है, तो इसकी सारी गतिज ऊर्जा उष्मा ऊर्जा में बदल जाती है, तो पानी का तापमान कितना बढ़ेगा जी। देखिए मान लीजिए उस क्या है जी, जो आपको पोटेंशियल एनर्जी था, पोटेंशियल एनर्जी का मतलब क्या है जी, जो हाइट से गिरा, हाइट की वजह क्या होता है पोटेंशियल एनर्जी होता है, जब हाइट से गिरा कितना है जी, बोल रहा है कि 50 क्या है जी केजी है, कितना है 840 क्या है जी ऊंचाई है, गिर कर उसकी गतिज ऊर्जा बदल जाती है, तो टेम्परेचर में क्या राइज होगा जी। विशिष्ट उष्मा धारिता भी दिया है 4200 जूल पर केल्विन, ठीक है जी। अब देखिए हमको यहां से पता है एमजीएच क्या होता है जी, पोटेंशियल एनर्जी, तो एम क्या रहता है केजी में रखते हैं जी, उसमें एम जी क्या है जी 10 है, एच क्या है जी 540 मीटर है, एमजीएच। ये एनर्जी किसमें चेंज हो जाएगा जी, तो काइनेटिक एनर्जी में ही तो चेंज होगा, सॉरी वो क्या हो जाएगा किसमें चेंज होगा, तापमान में जो चेंज हो जाएगा, तो किसमें चेंज होगा, तो तापमान में चेंज होगा, तो तापमान में चेंज करने के लिए कितना एम, एम क्या है जी वजन है, तो एम क्या रखते हैं उसमें, देखिए यहाँ पे हम जूल केल्विन में लेंगे तो क्या लेंगे, एम कितना केजी है जी, तो 50 केजी है। एम एस क्या है जी, विशिष्ट उष्मा धारिता क्या है, तो 4200 जूल है। अब देखिए इसमें केजी में रख गए तो आंसर किसमें आएगा, जूल में आएगा 4200 ms डेल्टा टी, डेल्टा टी क्या है जी, डेल्टा टी ही तो निकालना है हमको कि कितना टेम्परेचर का राइज होगा जी इसमें, ठीक है यहाँ समझ सकते हैं कितना टेम्परेचर का राइज होगा, यही तो बताना है हमको। इसको कैंसिल आउट करते हैं तो क्या मिलेगा, 2 0 से 2 0 ये कैंसिल हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा 2 डेल्टा टी बराबर क्या हो जाएगा, तो 2 डिग्री सेंटीग्रेड का क्या हुआ जी, क्या हुआ है 2 डिग्री सेंटीग्रेड का क्या हुआ है हमको राइज हुआ जी। तो यहां से देख सकते हैं कि हम बोल सकते हैं कि जो ईव जो भी पानी होगा जो गिरेगा उतना, देखिए यहाँ पे 2 डिग्री सेंटीग्रेड का राइज हुआ है, यहाँ पे आंसर आप देख सकते हैं मिला सकते हैं 2 डिग्री सेंटीग्रेड का क्या राइज हो रहा है। लेकिन देखिए इसमें क्या हुआ कि एक्चुअली हुआ क्या कि जो एनर्जी लॉस हम क्या है कि एनर्जी लॉस नहीं मान रहे जी, एनर्जी लॉस नहीं मान रहे, मान रहे कि टोटल पोटेंशियल एनर्जी जो भी था वो काइनेटिक एनर्जी में, वही काइनेटिक एनर्जी क्या हुआ जी हीट में कन्वर्ट हो गया, तो हमने यहाँ पे कोई भी लॉस एज्यूम नहीं किया, जैसे एयर वगैरह ये सब आइडियल केस ले रहे हैं। अब देखिए क्वेश्चन देखकर ही आपको ये समझना पड़ेगा कि हमें ये लॉसेज को क्या करना है जी, क्या करना है अवॉइड करना है, इन लॉसेज को क्या करना है जी अवॉइड करना है, तो प्लीज इन सब क्वेश्चन को आप अवॉइड करें और ज्यादा से ज्यादा कोशिश करें कि आप इन सब चीजों को नेग्लेक्ट करें जी। देखिए मैं बता रहा हूँ कि ये जो सिलेबस है आपको इलेक्ट्रिशियन, इंस्ट्रूमेंट मैकेनिक्स, वायरमैन, इलेक्ट्रॉनिक्स, मैकेनिक, रेडियो एंड टीवी के लिए है, और इसमें जो मैकेनिकल वालों के लिए जो बेसिक साइंस एंड इंजीनियरिंग जो है सभी किसी के लिए है, तो आप वो जाके पढ़ सकते हैं जी। मैं प्लेटफॉर्म की बुक से पढ़ा रहा हूँ, अगर किसी के पास और भी बुक होगा तो आप उससे भी बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो प्लीज दोस्तों आप टेस्ट सीरीज ज्वाइन कीजिए और टेस्ट सीरीज का फीडबैक जरूर दीजिएगा सबको। मैं आपको बता चुका हूँ कि अब हम लोग का सिलेबस खत्म हो चुका है, हम लोग केवल और केवल अब क्या करेंगे जी, जो आपको क्वेश्चन एमसीक्यू है हम लोग उसी को सॉल्व करेंगे जी, जो न्यूमेरिकल होगा उसको बनाएंगे, जो एमसीक्यू होगा हम लोग उसको बनाएंगे जी, ठीक है। तो आज के बाद से आप लोग तैयार रहे न्यूमेरिकल बनाने के लिए, और हम लोग का सिलेबस बहुत टाइम से पहले खत्म हुआ है, तो थैंक यू सो मच। अब तक अगर मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें,
और दोस्तों को भी रिकमेंड करें, और बेल आइकन को भी दबा दीजिए, ज्वाइन बटन का है तो उसको भी करिए, और सेट रिमाइंडर अगर बटन है तो सेट रिमाइंडर आ रहा है तो आप जब भी देखें तो सेट रिमाइंडर क्या करें, ऑन करें, जिससे क्या होगा आप वीडियो का टाइमिंग हुआ है तो क्या हो जाएगा अपने आप चलने लगेगा जी। अब इसके बाद से हम लोग न्यूमेरिकल करेंगे, बहुत अच्छे से करेंगे, हम लोग पास बहुत ही अच्छा टाइम है जी। आपको बताया बहुत सारे चैनल तो अभी स्टार्ट किए हैं, हम लोगों ने तो सिलेबस खत्म कर दो रखा है जी। तो मैं बता दूं, बेसिक साइंस मैंने कवर रखा है इंजीनियरिंग का। इंजीनियरिंग ड्राइंग में देखिए मैं पढ़ा सकता हूँ, कुछ पोर्शन पढ़ाऊंगा कुछ पोर्शन नहीं पढ़ाऊंगा तो उससे क्या फायदा, इसलिए मैं पहले ही बता दे रहा हूँ कि मैं इंजीनियरिंग ड्राइंग नहीं पढ़ाऊंगा जी आपको। इंजीनियरिंग ड्राइंग आप खुद दूसरे चैनल से पढ़ लें। चलिए जी आगे बढ़ते हैं, थैंक यू सो मच।